यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जमानत जब्त करा देने का यह दावा लोकसभा चुनाव के पहले का है। चुनाव खत्म हुआ तो इस दावे की सच्चाई सामने आ गई है। एनडीए की आंधी में जब पूरा विपक्षी कुनबा ही उड़ गया तो भला अनंत सिंह का यह दावा कैसे टिका रहता। अनंत सिंह को चैलेंज महंगा पड़ा, पत्नी नीलम देवी भी चुनाव हार गई और अब ललन सिंह ने होम्योपैथिक इलाज भी शुरू कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। बाहुबल के बूते सियासी विषाद की बाजी जीतने का दम भरने वाले अनंत सिंह को ललन सिंह से सियासी दुश्मनी महंगी पड़ रही है। खबर है कि अनंत सिंह पर सिंगंजा कसने की तैयारी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे ललन सिंह ने चुनाव के पहले जो कहा था उस पर अब अमल कर रहे हैं। चुनाव हारने के बाद से अनंत सिंह मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। अब वो ये बताने को तैयार नहीं है कि ललन सिंह की जमानत जब्त करा देने के उनके वायदे का क्या हुआ, चुनाव हार जाने पर राजनीति से संन्यास ले लेने के उनके ऐलान का क्या हुआ। मीडिया कर्मी बेताब हैं एक बार अनंत सिंह से सवाल जवाब करने को, लेकिन अनंत सिंह सवाल के जवाबों के लिए तैयार नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव के दौरान अनंत सिंह का होम्योपैथिक इलाज करने का ऐलान करने वाले ललन सिंह ने अब अपना काम शुरू कर दिया है, यानी अनंत सिंह का होम्योपैथिक इलाज शुरू हो चुका है। सबसे पहले पुलिस का वो अधिकारी निशाने पर है जिसने अनंत सिंह के पक्ष में चुनाव में काम किया। सूत्रों की माने तो उस अधिकारी की कुंडली खंगालने में ललन सिंह की टीम दिन रात जुटी है। ललन सिंह के करीबी लोगों का कहना है कि उस पुलिस अधिकारी का रिकॉर्ड भी अनंत सिंह से कम खूंखार नहीं है। उनके उसी रिकॉर्ड के जरिए उनका इलाज शुरू करेंगे ललन सिंह। पुलिस अधिकारी को ठिकाने लगाने के बाद अनंत सिंह का होम्योपैथिक इलाज शुरू होगा। वैसे भी अनंत सिंह के खिलाफ 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बेहद आसान है, लेकिन ललन सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई करने के पहले उनके शुभचिंतकों का इलाज कर देना चाहते हैं ताकि वो आगे अनंत सिंह की मदद के लायक नहीं रह सके, यानी कि अनंत सिंह को चौतरफा घेरने की कोशिश हो रही है। ललन सिंह चुनाव जीतने के बाद अनंत सिंह और उनके समर्थकों के होम्योपैथिक इलाज में तो जुट गए हैं, लेकिन बीमारी दूर करने में कितना समय लगेगा अभी बता पाना मुश्किल है। वैसे भी ललन सिंह कह चुके हैं कि अंग्रेजी इलाज क्षणिक होता है और उसका असर भी कम समय तक ही रहता है, लेकिन होम्योपैथिक इलाज में ज़्यादा समय लगता है और उसका असर भी लंबे समय तक रहता है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव जीतने में तो ललन सिंह कामयाब हो गए हैं, लेकिन अनंत सिंह का होम्योपैथिक इलाज करने में किस हद तक सफल हो पाते हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।